फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं घिया गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। आधा किलो हमने मटन लिया है, मटन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 800 ग्राम हमने लौकी ली थी, लौकी को हमने इस शेप में कट कर लिया है। लौकी को आप कम भी कर सकते हैं, मैंने 800 ग्राम ली है। एक बड़ी प्याज को हमने लंबी शेप में कट कर लिया है। 6 हमने हरी मिर्च ली है। 3 टमाटर लिए हैं, टमाटर को हमने छोटे छोटे कट कर लिया है। 2 चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 3 चम्मच हमने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है हमने। थोड़ा सा हमने हरे धनिया को कट कर लिया है। अब हम सूखे मसाले निकाल लेते हैं। अब चम्मच हमने धनिया लिया है। एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है। हल्दी हमें थोड़ी सी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी। नमक 1 चम्मच लेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं हम। छोटा आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। तेल गरम हो गया है, हमने 2 कप के करीब तेल लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हल्का भूरा होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। भगार हमारा हल्का भूरा हो गया है, अब इसमें मटन डालेंगे। मटन को अच्छे से तल लेंगे। मटन अच्छे से तल गया है, आप देख सकते हैं मटन का कलर भी चेंज हो गया है। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हम 2 मिनट भून लेंगे। हम मसाले भी डाल देंगे इसके साथ, जो हमने निकाले थे धनिया मिर्चे। टमाटर भी डाल देंगे और इनको 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। चार मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे जो हमने निकाला था। इसको भी अच्छे से भून लेंगे दही डालकर। मसाला हमारा भून गया है दही डालकर भी, हम इसमें लौकी डाल देंगे और बस थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी और सारी चीज़ों को अच्छे से चला देंगे। कुकर को बंद कर रहे हैं हम। एक सीटी आने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। कुकर का प्रेशर निकल गया है, हम कुकर को खोल लेते हैं। फ्लेम को भी हम चालू कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक पानी बिल्कुल खुशक ना हो जाए। गोश्त भी हमारा गल गया है, इसको अच्छे से पकाएंगे। हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे हम। गोश्त हमारा भुनाई पर आ गया है, हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और जो हरा धनिया हमने काटा था वो डाल देंगे। कुछ चलाएंगे, देख सकते हैं हमारा बिल्कुल लौकी घुट गई है। हमें घुटी घुटी ही बनानी थी। देखिए 2 मिनट के लिए हम फ्लेम को हल्का कर देंगे और ढक्कन से इसको ढक देंगे ताकि सारा तेल ऊपर आ जाए। 2 मिनट हमारे हो गए हैं, हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं। लौकी गोश्त बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है, हम इसको बर्तन में कर लेते हैं। घिया गोश्त बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।